वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साखी सच्चा सौदा। जदों गुरु जी होर वड्डे होए तां पिता जी ने यह सोचा कि पुत्तर नूं व्यापार विच पाया जावे तां कि फिरन तुरन नाल उहनां दा जी वी लगा रहे अते कुछ लाभ भी प्राप्त होवे। इस कारज वास्ते उहनां ने गुरु जी नूं 20 रुपए दिते अते कहा, पुत्तर कोई चंगा अते खरा खरा सौदा करो जिस नाल चंगा लाभ होवे। मैं तेरे नाल भाई बाले नूं भेजदा हाँ, तुसी कोई ऐसा माल खरीद के लियावो जिहड़ा इत्थे वेच के चंगा नफा निकल आवे। गुरु नानक देव जी ने पिता जी की गल नूं मन लिया अते 20 रुपए लैके एक लागले शहर चूड़काने वल चल पए। चूड़काने दे राह विच एक संघनी झंगी आउंदी सी। जद गुरु जी उत्थों लंघन लगे तां उत्थे उन्हां एक साधुआं दा डेरा वेख्या। गुरु जी नूं साधुआं संतां नाल बहुत प्यार सी, इस लई कुछ गलबात करन लई उह उत्थे ही रुक गए। साधुआं दीआं गल्लां तों उन्हां नूं पता लगा कि उह कई दिनां तों भुखे सन। गुरु जी नूं उन्हां उत्ते बहुत तरस आया। उन्हें झट पक्का इरादा बना लिया कि इन्हां साधुआं की सहायता की जाए। उन्होंने सोचा इस तो खरा ते सच्चा सौदा की हो सकता है। भुखे अते नंगियां की सेवा करना सब तो उच्चा सौदा है। इसलिए उन्होंने अपनी जेब विचों 20 रुपए कढ के साधुआं के अगे धर दिते, पर साधुआं ने चांदी नूं हाथ लाउण तों ना कर दिता। साधुआं के गुरु ने कहा, सानू चांदी की लोड़ नहीं, तुसी हाले छोटी उम्र दे हो। ये रकम दे के तुहाडे पिता जी ने तुहानू कोई काम धंधा करन लई भेजिया होवेगा। असी तपस्या करते हाँ, असी कई दिन भुखे रह सकते हाँ, परमात्मा आपे कोई उपा कर दिंदा है। पर गुरु जी दृढ़ता नाल बोले कि मैनू ये रकम कोई खरा सौदा करन वास्ते दित्ती गई है। मैं ये समझदा हाँ कि इस तो खरा सौदा होर केड़ा हो सकता है जिस नाल भुखियां ते नंगियां प्रभु दे प्यारियां दी सेवा हो सके। इसलिए तुसी ये रकम रखो अते अन्न पानी लिया के छको। पर साधुआं दे मुखी ने पैसे लैण तो ना कर दित्ती, पर गुरु जी दे अटल विश्वास तो प्रभावित हो के उन्हां ने कहा, जे तुसी ठीक ही सेवा करनी चाहुंदे हो तां सानू अन्न पानी लिया के छका दवो। असी लोग खरीदो फरोखत विच नहीं पैंदे हाँ अते ना ही रुपए लांघण नाल बनदे हाँ। गुरु जी ने रुपए अपने पास फड़ ले अते भाई बाले नूं नाल लेके चूड़काने चले गए। उत्थे उन्होंने राशन अते कपड़े खरीदे। उत्थे ही आटा दे के एक झूरी दे कोलों रोटियां पकवा लईयां अते दाल तैयार करवा ली। एक गड्डा उन्हां किराए ते लिया अते उस उत्ते बाकी दा राशन कपड़ा अते दाल रोटी लद के साधुआं वाली चंगी विच पहुंच गए। उन्हां साधुआं नूं दाल रोटी अपने हत्थीं खवाया अते पहनण वास्ते उन्हां नूं कपड़े दिते। साधु बहुत खुश होए अते उन्हां ने गुरु जी नूं बहुत असीसां दित्तियां। गुरु जी ते भाई बाला फिर पिंड नूं चल पए। इस जगह उपर गुरद्वारा सच्चा सौदा चूड़काना पाकिस्तान विच सुशोभित है। जदों साधुआं नूं भोजन करवाउण तों बाद शाम नूं गुरु जी अपने पिंड तलवंडी वापस आए तां किते ना किते गुरु जी दे मन विच वी डर सी कि पिता जी गुस्से होणगे, उन्हां पैसियां दा की कीता। उह अपने पिंड दे बाहर संघणे रुख दे हेठां बैठ गए अते रात उस रुख हेठां बिताउण दा सोचिया। उह रुख अज वी पाकिस्तान विच मौजूद है। उस जगह ते तंबू साहिब नां दा गुरद्वारा सुशोभित है। गुरु जी ने भाई बाला नूं घर भेज दिता अते आप रुख हेठा सौ गए। भाई बाला जी ने घर जा के पिता नूं सारी कहानी सुनाई। सुन के पिता जी बहुत ज़्यादा गुस्से विच आ गए अते उस जगह ते गए जिथे गुरु जी रात रुके सी। गुस्से विच आए पिता जी ने गुरु नानक देव जी दे चंद्रमा वर्गे चेहरे उत्ते चपेड़ मारी अते कहा कि तुसी पैसे खराब किते हन। गुरु जी शांतमई सुभा दे मालक सी अते पिता जी दे सामने चुप चाप खड़े सुन रहे सी। उन्हां दी गल लाल हो गई सी। जल्दी ही भैण नानकी भी उत्थे दौड़ी आई। ये सारी घटना देख के उन्हां दा दिल फटण नूं आ गया। उन्हां ने अपने पिता जी दा हथ फड़ के दूजी चपेड़ मारन तों रोक दिता। बेबे नानकी तों अपने वीर गुरु नानक दे चपेड़ वजण दा दुख सहण नहीं कीता गया। उन्होंने प्रेम वास गुरु नानक देव जी नूं अपने पास सुल्तानपुर लोधी बुला लिया। इस साखी तो सानू यह पता चलता है कि गुरु नानक देव जी का चलाया हुआ 20 रुपए का लंगर अज भी सारे संसार विच अतुट वरत रहा है। अते इस साखी तो सानू यह सिक्ख्या मिलती है कि सानू वड्डियां दा सतिकार करना चाहिए है अते किसी प्रकार के भी रोस विच आ के उन्हां नाल बहस नहीं करनी चाहिए। इस साखी तो सानू यह भी पता चलता है कि भैण दे दिल विच वीर लई बेअंत प्रेम सी। जेकर तुहानू साडी यह वीडियो पसंद आई तो इसनू लाइक शेयर अते सबसक्राइब जरूर करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।